Morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So the children, as we know that we are doing chapter 11 from social study, the world of growing knowledge. In our previous class, we discussed the story of a writing, and today we will discuss the story of numbers. So people in olden time must have felt the need to keep a record of the things and object they possessed. Hence, they began to use numbers for counting. तो यानी कि पहले के लोगों को ये फील हुआ कि उनको जो भी वो मतलब पोजेस करते हैं उन सब चीज़ों का उनके पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए. और फिर इसके लिए उन्होंने क्या शुरू करा, बिगेन उन्होंने नंबर फॉर काउंटिंग. द अर्लियस्ट सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज बेस्ड ऑन 10 नंबर्स. पहले का जो सिस्टम था वो काउंटिंग का किस पे, कितने नंबर्स पे बेस्ड था, 10 नंबर्स पे. इट पॉसिबली डेवलप बिकॉज वी हैव 10 फिंगर्स. और ये हो सकता है उस समय पे ये इसलिए हो क्योंकि हमारे हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं, 10 फिंगर्स होती हैं. पीपल मस्ट हैव लर्न काउंटिंग बाय यूजिंग दियर फिंगर्स. और पीपल जो है उस टाइम पे किस तरीके से काउंटिंग सीखते होंगे, अपने फिंगर्स को काउंट करके जो है फिंगर्स के थ्रू जो है वो काउंटिंग करते होंगे. सो मोस्ट ऑफ द अर्ली नंबर सिस्टम इन अ डिफरेंट सिविलाइजेशन हैज सिंबल फॉर 1 to 10 and 100. द सिस्टम ऑफ काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 वॉज फर्स्ट डेवलप इन इंडिया. 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग का जो सिस्टम था वो सबसे पहले कहाँ पर डेवलप हुआ, इंडिया में. द आइडिया ऑफ 0 और 0, यानी कि 0 हम जैसे बोलते हैं और 0 हम हिंदी में बोलते हैं, वॉज ऑल्सो फर्स्ट डेवलप बाय द एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन. यानी कि जो इंडियन मैथमेटिशियन के द्वारा जो है ये सबसे पहले जो 0 का आविष्कार जिसको बोलते हैं वो कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था. और इंडियन मैथमेटिशियन के थ्रू हुआ था वो. उनका नाम आप जानते हैं, उनको क्या बोलते थे, आर्यभट्ट. आर्यभट्ट के नाम से उनको जाना जाता था. द अरब ट्रेडर्स, यानी कि जो अरब के जो व्यापारी थे, कैरीड द इंडियन सिस्टम. उन्होंने इंडियन सिस्टम को क्या करा, कैरी करा ऑफ नंबर टू अदर कंट्रीज, और उसको दूसरे देशों तक पहुंचाया. द यूरोपियंस लर्न दिस नंबर सिस्टम फ्रॉम द अरब्स एंड स्टार्टेड कॉलिंग देम अरेबिक न्यूमरल्स. और अरब, फिर जो यूरोपियंस ने इन नंबर्स को सीखा, इस सिस्टम को, और उसको क्या नेम दिया, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, अरेबिक न्यूमरल्स. Now the story of paper. Several thousand years ago, the Babylonians and the Assyrians made tablet of clay on which they inscribed record which they wanted to preserve. तो यानी कि बहुत पहले, several thousand, कई हजारों वर्ष पहले जो था, Babylonians ने और Assyrian ने क्या बनाई, एक tablet clay जो है उन्होंने बनाई, एक टैबलेट, एक स्लेट उन्होंने बनाई क्ले से. और जिस पर भी वो क्या इंस्क्राइब करते थे, वो रिकॉर्ड जो कि जिसको वो क्या करना चाहते थे, प्रिजर्व मतलब जिसको वो संहो के, मतलब जिसको वो सेफली रखना चाहते थे कि आगे की जनरेशन तक के लिए भी वो जो है काम आए. तो उसके लिए उन्होंने इस तरह की क्ले टैबलेट्स बनाई. टैबलेट्स वर द लाइक द पेजेस ऑफ अ बुक. वो टैबलेट्स किस तरह से होती थी, जैसे कि पेजेस ऑफ अ बुक, जैसे कि एक बुक के पेजेस होते हैं, वो इस तरह से होती थी. बट राइटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, क्ले टैबलेट, पाम लीव्स और सिल्क वॉज नॉट वेरी कन्वीनियंट. लेकिन किस तरह पर राइटिंग लिखना, यानी कि केव्स की वॉल्स पे लिखना या क्ले टैबलेट पे लिखना या पाम के लीव्स या सिल्क में जो है लिखना जो था, वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था, यानी कि उसमें काफ़ी दिक्कतें लोगों को आती थी लिखने में. So in AD 105, a Chinese TSEI, Lun, discovered the certain plant could be broken down into the fiber and pressed into sheets of paper. The Egyptian were the first to make paper. जो Egyptian थे उन्होंने सबसे पहले जो है paper जो है बनाया. They made paper from a water plant called papyrus, from which the word paper got its name. यानी कि they made paper from, उन्होंने किससे बनाया paper? एक plant होता है, water plant, जिसको हम papyrus कहते हैं. From which the word paper, जिससे ही papyrus के name से ही जो है word paper जो है उसने अपना word जो हम paper उसको कहते हैं अपना name उसको मिला. These days most of the paper is made from wood pulp. और आज के time में ज़्यादातर paper किससे बनते हैं? Wood pulp से बनते हैं. Now the story of a printing. The earliest book were handwritten, hence there were very few copies of each book. People called scribes made handwritten copies for the mass reading.
द इन्वेंशन ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस चेंज द वर्ल्ड ग्रेटली, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस के जो इन्वेंशन है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आए। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स कुड बी प्रिंटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, अब ज्यादा से ज्यादा किताबें हैं बहुत ही कम समय में क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी। इट बिकेम चीपर टू मेक बुक्स और इट हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, और ये इस चीज से जो है नॉलेज के स्प्रेड करने में, यानी कि नॉलेज का, ज्ञान का फैलाव करने में इस प्रिंटिंग प्रेस से जो है काफी नॉलेज मिली, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो क्या कर सकते थे, बुक्स को पढ़ सकते थे और नॉलेज गेन कर सकते थे। नाउ इन द बिगिनिंग प्रिंटिंग वॉज अ टीडियस प्रोसेस बट टूडे थाउजेंड ऑफ कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी प्रिंटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। So now this is a point to you have to know. Did you know that Gutenberg in Germany invented the first printing press? It was the simple machine using movable type. The first book that he printed was the Bible. जो उन्होंने Gutenberg थे जर्मनी में, उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का जो है इन्वेंशन किया था, और जिस जो सबसे पहली बुक जो उन्होंने छापी थी वो क्या थी, बाइबल। द स्क्रिप्ट ऑफ अ विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि स्क्रिप्ट जो के विजुअली, यानी कि जो उनको देखने में जो असमर्थ होते हैं लोग, उनके लिए जो सबसे पहली स्क्रिप्ट आई वो किसने इन्वेंट करी, लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल ने डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग देखने में असमर्थ लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, यानी कि ब्लाइंड लोग, द ब्लाइंड, द एनेबल्स देम टू रीड थ्रू टच। तो अब जो है ब्रेल के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, दे आर नाउ एबल टू रीड द वर्ड्स बाय टच, जिसको वो क्या कर सकते हैं, टच करके जो है अब वो बुक को पढ़ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज बुक्स द ब्लाइंड कैन रीड एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल materials, they can even compete the normal student। और आपकी इन बुक्स से जो है काफी जो है ब्लाइंड लोगों को काफी हेल्प मिली, और अब वो उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, और आज के डेट में वो नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं, यानी जो अच्छे से देख पाते हैं, उन स्टूडेंट्स को भी वो क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। एंड कैन गिव इन हायर ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, और काफी इससे ना तो केवल एक स्कूल या कॉलेज तक की नॉलेज, इवन वो प्रोफेशनल एजुकेशन को भी वो अचीव कर सकते हैं। द लेटर इन द ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर्म बाय अ रेज डॉट, यानी कि उसमें जो लिखा होते हैं वो किस तरह के होते हैं, डॉट्स होते हैं, रेज डॉट यानी कि ऊपर उठे हुए जो डॉट्स होते हैं ऊपर की तरफ, ऑन द थिक पेपर, और काफी थिक पेपर पे वो डॉट्स बने हुए होते हैं। दीज कैन बी इजिली फेल्ड बाय फिंगर, और जिसको के फिंगर्स के थ्रू जो है का इजिली फेल्ड किया जा सकता है। दीज डॉट्स रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड अल्फाबेट, न्यूमरल्स एंड पंक्चुएशन मार्क, इसमें क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अल्फाबेट होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क होते हैं। अ पर्सन जेंटली ग्लाइडर्स हिज हर फिंगर ओवर द ब्रेल कोड एम्बर्स ऑन पेपर, तो जिसमें के इजिली जो भी मतलब ब्लाइंड पर्सन, ये चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो इजिली उनको टच करके उनको इजिली जो है वर्ड्स को या सेंटेंसेस को वो इजिली पढ़ लेते हैं। नाउ दिस इज द पॉइंट यू हैव टू नो, दिस इज लुईस ब्रेल वॉज अ 15 ईयर ओल्ड ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट हु डेवलप्ड इन 1824 अ कोड टू एनेबल द ब्लाइंड टू रीड, ही हिमसेल्फ बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 3, यानी कि वो जो उन्होंने 15 साल की उम्र में जो है इस तरह का, उन्होंने एक फ्रेंच स्टूडेंट थे 1824 में, उन्होंने इस तरह का ब्रेल जो है इन्वेंट किया था, क्योंकि वो खुद भी क्या थे, ब्लाइंड थे, जो कि ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 3, यानी कि 3 साल की उम्र में वो भी ब्लाइंड हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट का उन्होंने इन्वेंट किया। Now the chapter is completed here. Now the time to the exercise. This is new terms that you have to learn and write down in your notebook. And these are the take the correct options. So writing came into the being about the right 15,000, 10,000 years ago, 15,000 years ago, and 5,000 years ago. The right option is 5,000 years ago. The English language is written in Roman script, Devanagari, Brahmi. So this is in Roman script. Who made the paper first? Egyptian, Arab and British. So Egyptian made the paper first.